कहते हैं भाई जी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं कुछ कमाते नहीं हूँ, मैं अकेले हूँ, पति बच्चे कोई देते नहीं, लेकिन मेरा शरीर ठीक है, मैं यज्ञ की सेवा करती हूँ, क्या बाबा मुझे धन देगा? तन से सेवा कर रही है, कर सकते हो, तन बहुत अच्छा मजबूत है, मैं बर्तन साफ करूंगी, झाड़ू लगाएंगे, सब करते हो, लेकिन मेरे पास धन तो नहीं है। अगर भंडारे में धन नहीं डाला तो धन कौन देगा? तो क्या करे? दो प्रश्न है, एक तन ठीक नहीं है, बीमार हो, यज्ञ की सेवा नहीं किया, तो बाबा मेरे तन को निरोगी काया वरदान देगा? नहीं तो उपाय बताओ, निवारण बताओ, क्या करो? दूसरा, धन नहीं है, बाबा के तरह धन डालेंगे तो धन मिलेगा, अब माता जी के तरह मेरे पास धन ही नहीं है, मैं क्या? तन ठीक है, मैं तन से सेवा करती हूं, तो धन बाबा देगा? तो उसका कोई निवारण बताओ। तो अभी आप सुनना, और एक तरीका है, माता जी कहती है भाई जी मेरे पास धन नहीं है लेकिन तन ठीक है, सेंटर में बहन जी को रोज बर्तन साफ करना है, झाड़ू लगाना है, एक माई को 100 रुपया देती है, भंडारी से निकालते हैं, माता जी के घर में सब्जी, खेती में सब्जी बनती है, तो बहन जी को कहती है बहन जी आप मार्केट से सब्जी लाना नहीं, मैं रोज ला के देती हूँ, माता जी के पास गाय भैंस है, दूध है, बहन जी को सेंटर में 1 लीटर दूध लेना पड़ता है, 100 रुपया देना पड़ता है, तो माता जी कहते मैं रोज 1 लीटर दूध ला के देती हूँ, बहन जी को सेंटर में सफाई करने के लिए काम करने के लिए 100 रुपया देना पड़ता है, बहन जी कहते माता जी कहते भाई दीदी आप कुछ नहीं करना, मैं सब कुछ सेवा करूंगी, तो उनके नाम से 100 रुपया जमा हो गए ना, नहीं तो बाबा के भंडारे से 100 रुपया देना पड़ता था, तो उनके नाम से 100 रुपया जमा हो गया, तो तन से सेवा करो, अगर तन ठीक है, धन नहीं है, तो तन से यज्ञ की सेवा करो तो ये धन जमा होगा। समझ में आया? ऐसा बाकी ये भी आपने कहा कि अगर आपके पास तन से भी नहीं आ सकता है, धन भी नहीं है, लेकिन घर में अनाज सब्जी चावल उगता है, तो बहन जी को भोग लगाने के लिए बाबा को मार्केट से लाना पड़ता है, तो बहन जी आप चावल नहीं लाना, दूध नहीं लाना, हमारे घर में दूध है, मैं रोज 1 लीटर ला के देती हूँ, तो भंडारे से 100 रुपया निकालना पड़ता है ना, तो 100 रुपया माता जी के नाम से जमा हो गया, धन की सेवा कैसे हो? समझ में आया? तो इसलिए नहीं, ऐसा नहीं, तो कैसे, हर चीज का निवारण है।